अब महाराज भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सुदामा जी कह रहे हैं, देवी आप इतना क्यों दबाव दे रही है, मैं चला जाऊंगा पर यहाँ पे। नहीं महाराज, मुझे सपने में दर्शन हुआ है कि आप जरूर मिलने जाओ। अब सुदामा जी कह रहे हैं, देख देवी चला तो जाऊंगा पर मैं कुछ मांगूंगा नहीं, मुझे मांगना नहीं आता है, मुझे सिर्फ उसका भजन करना आता है और प्रेम लीला के अलावा मैंने मांगा कभी नहीं मुझसे। अब इतनी बात कहा, बिल्कुल कुछ मत मांगना पर मिल के आओ। अब मन में सोच रही है जब मिलने पहुंच जाएंगे तो हालत को देते वो तो ऐसे करुणा के सागर है, अपने आप सर्वस्व दे देते हैं अपने भक्त को। जैसे ही सुशीला अपनी बस्ती में गई और पांच घरों से अलग अलग घरों से एक एक मुट्ठी चावल लेते आए, अब ऐसे बस्ती में देवियां कहने लगी, पंडितानी जी इतने से चावलों का क्या करोगे, और ले जाओ जितना चाहिए। सुशीला ने साफ कह दिया, नहीं इतनी चाहिए बहना। पांच मुट्ठी अलग अलग घरों से लेके आई और एक फटे पुराने से कपड़े में बांध के सुदामा जी को दे दिया कि महाराज अब प्रेम से जाओ और अपने मित्र कन्हैया से मिलके आओ। जैसे ही सुदामा जी ने वो चावल की पोटली लेके रवाना हो रहे द्वारका के लिए, अब द्वारका को जा रहे हैं, दुबला पतला शरीर है सुदामा जी का, शरीर पे वस्त्र भी नहीं है पूर्ण तो, और नंगे पांव है, न पैरों में पैरने के लिए कोई पद चाल है। अब गर्मी के दोपहर ही पड़ रही है, अब जब दुबला पतला शरीर है ऊपर से गर्मी पड़ रही है, पैरों में कांटे भी लग रहे हैं और चल रहे हैं, हरे कृष्ण अरे कन्हैया मेरे शरीर में कोई चाल नहीं है, मेरी बस्ती बात छाले पड़ गए, तेरी कितनी दूर नगारिया, चलते चलते सारे कोई पड़ गए, और चलते चलते छाले पड़ गए, कितनी दूर नगारिया, चलते चलते छाले। मेरे बस की कोई बात नहीं है कन्हैया, तुझे बुलाना हो तो मेरे शरीर में शक्ति प्रदान कर। अब आगे नदी को देखा, अब यमुना मैया बीच में पड़ती है महाराज द्वारका जाने के लिए, जैसे ही अब देख के वही बैठ गया, मेरे बस की बात नहीं है इस नदी को पार करना। अब भगवान ने जैसे ही एक नौका का एक मल्ला का वेश धारण करके नौका लेके किनारे आ रहे हैं और द्वारका को जा रहे हैं, समय है नहीं है, जिनको दर्शन करना हो देवी हो तो वही दर्शन करके सुदामा जी के कमंडल में भेंट डाल देना, चरण वंदन कर लेना, ये भगवान का साक्षात सुदामा है जिसको भक्त सुदामा के नाम से जानते हैं, जिनको दर्शन करके भेंट करना हो वही चला दो और धीरे धीरे सुदामा जी को लेके आए।
और दो द्वारपाल खड़े कर दो यहाँ ऊपर बीच में। Yeah.
पीछे जाएं और आज के लिए
कोई बात नहीं है, 10 मिनट में घर लेट चल जाएंगे तो कोई बात नहीं है, पर साराई का प्रेम से करो, बड़ा आनंद आएगा। हाँ, 1100 रुपया सुधीर कुमार रेखा ने भागवत जी को विदाई में भेंट किया है, और डोसा वाले हैं महाराज, ये तो हमारे नजदीक के रहने वाले हैं। जय गुरु ठाकुर। आ गए, आज हम लेट हो गए क्योंकि आज भागो चलिए लेट तक, क्योंकि आज था लास्ट डे, कल सुबह हमने जो क्लच रखे थे वो ले आएंगे, हवन हो जाएगा, तो अभी वहाँ पे भजन कीर्तन चल ही रहा था तो हम पहले आ गए हैं। तो खाना वाना बना के गई थी, बाकी खा लिया है, अब हम रहते हैं, मैं खा लूँगी। आज हमने बनाई थी भरवा भिंडी, देखो भरवा भिंडी बनाई थी, अब हम भी खाना खा लेते हैं, दूध दूध गर्म कर देते हैं बस। और हनु रखा गुस्सा है क्योंकि हनु को खाने रसगुल्ले, रसगुल्ले के लिए रो रहा है। खाना है, क्या खाने रसगुल्ले? क्यों भाई आज क्या है, रसगुल्ले खाने हैं? रसगुल्ले खाने, एक मिनट में रसगुल्ले ला कर दे बस। मंगा रहे हो, धमकी दे रहे हो? धमकी है मंगान के तो पौधे रोगे, कहते हैं ना ये धमकी है, रसगुल्ले आने चाहिए, है ना अनु? अब रसगुल्ले आने चाहिए बस। अनु बोलेगा तो ले आऊंगा। हाँ, खाने कौन से वाले? व्हाइट वाले ना, व्हाइट पक्का किसी देगा दे, ला दे, अभी ला दू, मतलब इंसान अभी ले। रसगुल्ले आ गए थे, हनी ने खा लिए रसगुल्ले, खा लिए ना, पेट भर गया, कितने खाए? तीन, तीन भी ना खाए जैसे मुश्किल से। तो रसगुल्ले खा लिए, दूध पी लिया, अब हो रही है सोने की तैयारी। तो तब तक आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, good night, राधे राधे।